राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तर ने मंदिर का श्रेय आडवाणी को दिया। उन्होंने कहा, मोदी चिरकाल तक जिएंगे मगर श्रेय तो आडवाणी को जाएगा। राम मंदिर निर्माण पर सत्तन गुरु ने दिखाया आईना। तो काय का प्रजातंत्र, राम जी की सभी ने प्रशंसा की, पर एक धोबी तो था ही जो अकड़ करके बोले ही सही कि नहीं नहीं काय कर रहा हूं। तो ठीक उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनको तो ये कहना ही है कि ये नहीं करा। अब वो उन्हें पूजन का सौभाग्य मिल रहा है और हमारी सनातनता के आधार पर जिन्हें पूजन का अधिकार मिलता है वो निस्संदेह पुण्यात्मा होते हैं, पुण्य के भागी होते हैं। उनके सत्कर्मों का परिणाम है कि वो राम मंदिर की स्थापना करेंगे और राम मंदिर की स्थापना करेंगे, वहाँ की नींव रखेंगे तो वो चिरकाल तक जीवित रहेंगे, अमरत्व को प्राप्त करेंगे। और श्री राम भगवान की सेवा करने वाले को ये सब मिल ही जाता है, है? उन्होंने मन वचन और कर्म की एकाग्रता के साथ भगवान राम के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया है, जिसका परिणाम है कि उन्हें दक्षिणा के स्वरूप ये चिरकाल तक मिलने वाला सुयश प्रदान किया जा रहा है। इसी बात को, इसी सुयश को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में पीड़ा है। असली अगर कोई इसका हकदार है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी। कैसे? श्री राम मंदिर के मुद्दे को जन जन के मन में स्थापित करने के लिए रथ यात्रा निकाल करके और इन्हें अपना संरक्षक बना करके ले चलने वाला अगर कोई व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व लाल कृष्ण आडवाणी का व्यक्तित्व था। उस लाल कृष्ण आडवाणी के व्यक्तित्व के नेतृत्व में अपनी यात्रा करते हुए ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, लेकिन इन्होंने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। जो इन्हें रोक सकते थे, टोक सकते थे, उनको हटा दिया। आडवाणी कहीं नहीं है, नरेंद्र ही सर्वोपरि है। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस प्रतिक्रिया के। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।